Look at Rohit. He's not coming slow, man. ये तो मक्खन 200 के ऊपर चला है. हाँ, we are in Bahrumpur bypass. So here it is. See that? ये खूबसूरत सा फॉरेस्ट. And here are the momos. You see? Okay, so चलो जी अभी खाते हैं एंड फिर यहाँ से निकलते हैं टूवर्ड्स मिरिक. So the mountain vibe has started and ये मिरिक का जो रास्ता है ना ये थोड़ा सा स्टीफ भी है एंड नैरो भी है. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू कम हियर जस्ट राइड सेफ, धीरे चलाओ, थोड़ा सा सेटल होने दो अपने हाथों को, उसके बाद यू नो गो विद द फ्लो. दैट्स इट. मिरिक के बहुत पास आ चुके हैं एंड अभी अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है टिंगलिंग टी गार्डन. सो ये यहाँ पे एक फेमस स्पॉट है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है आई लव मिरिक एंड देयर आर मेनी टूरिस्ट्स जो लोग यहाँ पे सब लोग फोटो वोटोज खींच रहे थे एंड अभी बस देयर आर मोर 7 किलोमीटर्स. आई एम फीलिंग अभी टायर्ड एंड होना भी चाहिए क्योंकि कल पूरे रात हम लोग बाइक चलाए हैं. सो इट्स अ नॉर्मल थिंग. वैसे अभी माहौल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है सो इट्स फीलिंग गुड एंड बस धीरे धीरे करके अपने होम स्टे तक पहुंच जाए. एंड दीज टी गार्डन्स आर लुकिंग रियली अमेजिंग. बहुत खूबसूरत लग रहा है. एंड द वेदर इज़ अ बिट डस्की सो ऐसा हो सकता है कि बारिश वारिश मिले हम लोगों को आज नहीं तो कल या फिर परसों. लेट्स सी क्या होता है. और अगर एक बार बारिश हो जाएगा ना ये पूरा वेदर खुल जाएगा तब तो बहुत बढ़िया लगेगा. यहाँ का व्यू और भी बढ़िया लगेगा. ये अभी भी बढ़िया लग रहा है यू नो काइंड ऑफ लाइक अ मिस्ट बट अगर खुल जाता है वेदर तो और भी बहुत खूबसूरत लग रहा है. Guys, can you see this view? Man, बहुत अच्छा लग रहा है यार. अभी तो माहौल पूरा ठंडा हो चुका है. अभी थोड़ा बहुत ठंडा लग भी रहा है. अभी तो उतना ज़्यादा नहीं, इट इज़ मैनेजेबल, बट है यहाँ पे ठंड है. And the leans, bro, the leans.
ओके सो सामने आप लोग देख पा रहे हो दैट इज़ मिरिक लेक। यहाँ पे शायद हम लोग शाम को थोड़ा सा आने वाले, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को ढूंढना है द पुलिस स्टेशन एंड वहाँ से वी नीड आवर गाइडेंस फ्रॉम आवर होम स्टे ओनर। ये लेक बहुत खूबसूरत लग रहा है अभी तो। सी दैट ओके सो अभी हम लोग पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वी गॉट नोटिफाइड कि यहाँ से 4 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन वो पहुंचने में करीब आधा घंटा टाइम लगने वाला है। सो रास्ते का हालत बहुत ही ख़राब होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। हाँ तो धीरे धीरे हम लोग चलाएँगे एंड फिर देखते हैं कितने देर में हम लोग पहुँच पाते हैं। चलो जी शिट, ये तो यार ढलान बहुत खतरनाक है। यार ये ज्यादा खतरनाक है भाई। मेरी बस्ती यही है ना सीधा। ठीक है यार, ये कुछ ज्यादा ही नीचे जा रहा है लेके, खाली इधर से ऊपर भी उठना है। ओ डैम, रास्ता खराब तो है बोला है, बट ये रास्ता खराब नहीं है, ढलान है बहुत ज्यादा। That's the thing. And you cannot accelerate. अच्छा इधर से रास्ता खराब होना शुरू हुआ है थोड़ा सा करके। ओ लोकटा का जिगा करते हो तो भैया। ओ भैया मिरिक बस्ती किधर है? सीधा मिरिक बस्ती सीधा। चो ओके रास्ता अभी खराब होना चालू हुआ है, देखते हैं कितना खराब रास्ता है।
शिट। भाई मान ये यार कहाँ पे आ गए हम। मेरा फट चुका है भाई। वे और कितना नीचे है। आज सिर्फ आधा घंटा बोला है अभी तो। ओके ओके वी कैन डू इट। धीरे धीरे
अबाउट टू रीच 1 किलोमीटर लेफ्ट। क्या खतरनाक रास्ता था यार, कल उसी रास्ते से वापस भी जाना है। ओ गॉड, आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट डर तो लगा, बट इट वॉज गुड। ठीक है चलो, ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है एंड वी हैव पेट्रोल इन आवर बाइक, सो नॉट एन इशू। बस जाके जल्दी से फ्रेश होना है यार। ओके, मैं रोहित के बहुत पीछे पीछे चल रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस वी हैव टू मेंटेन। ये तो कुछ भी नहीं है जो वहाँ पे फेस करके आए ना, ये उसके यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके शिट, चल ये भी कुछ भी नहीं है, ये इजी, दिस इज इजी पीजी। ओके सो ही इज द ओनर। इधर से अच्छा नीचे शेड है क्या? हो जाए तो नीचे जेते पड़ भी ना कि ना ऊपर डाक भी था कल के आवार किंतु ऊपर उठता है। ये तो हमारे रोटी का उठता है। ए रखा तो नीचे होगा, अगर एसिस्टेंट चाहिए तो मैं कर देता हूँ। नहीं 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 ठीक है, चलिए चलिए ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। Somehow I got reached, man. Somehow I got reached. Rohit is coming. Okay guys, so finally we reached in our homestay after a tremendous adventure. यार क्या खतरनाक रास्ता था, मैं यहाँ पे गिर भी रहा था लेकिन नहीं गिरा fortunately. And right now हम लोगों को ये एक जूस मिला है, सो वी आर गोइंग टू ड्रिंक इट, एंड ये ब्लैक करंट का है ना, सो या लेट मी टेस्ट इट।
ठीक ठाक है, आई मीन 7 out of 10 आई कैन से। ओके एंड रूम टूर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर, क्योंकि यार आई एम लाइक टू मच टायर्ड। सो यहाँ तक का जो जर्नी था हम लोग बहुत अच्छे से कवर किया है। करीब कल रात को 9:30 बजे तक हम लोग एकदम प्रॉपर राइड हम लोगों का शुरू हुआ था, यू नो आफ्टर रिफ्यूलिंग, एंड फिर हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं करीब 12:00। ओके सो इट वॉज रियली यू नो फास्ट राइड यू कैन से फॉर अस, एंड बहुत स्मूथली हम लोग आए हैं। बस यही लास्ट का जो 4 किलोमीटर था यही थोड़ा सा खतरनाक था, बाकी सब कुछ बढ़िया है। एंड टेंशन तो ये हो रहा है कि कल इधर से जब निकलेंगे तो ये कैसा होने वाला है वो वाला सीन, बट रोहित इज सेइंग कि दैट विल नॉट गोइंग टू बी दैट मच टफ। चढ़ाई उतना टफ नहीं होगा जितना आज हुआ है। आज भाई फटा है भाई, लिटरली मेरा तो फटा है, पता नहीं इसका क्या हुआ है। मैं भी एक बार गिरते गिरते बचे। लेकिन यार या अगर पहाड़ों में आए हो तो ये छोटा मोटा सा एक्सपीरियंस तो भाई होना चाहिए, आई मीन व्हाट यू से, ऐसा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। हाँ ऐसा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए लिटिल बिट, आई मीन हाँ जो लोग पसंद करता है यू नो बाइक चलाना या फिर थोड़ा बहुत ऑफ रोड, सो या डेफिनेटली यहाँ का लोकल्स जो है वो पिलियन में ये सब रास्ता आराम से कवर कर ले रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको उतारे कैसे कल, 200 किलो का बाइक। मेरा तो फिर भी हल्का है, लेकिन फिर भी आई वॉज लाइक यू नो मेरा पैर ऐसे ऐसे हो रहा था। सो एनी वे दिस इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड दिस इज़ द थिंग यू नो यू आई मीन व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन एडवेंचर तब तो ये सब छोटा मोटा सा चीज़ होता है, एंड यही इन चीज़ों को अच्छा बनाता है। ओके आई मीन आपके एडवेंचर को, आपके एक्सपीरियंस को। सो एनी वे राइट नाउ आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ इन हियर, सो सी यू गाइस लेटर एंड ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय। Thank you.